हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेन। आज मैं आपको मूंग की दाल की खस्ता बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने एक कटोरी मूंग की दाल ली है। इसको मैंने 4 घंटे भिगो दिया है। अब इसको हम मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीस लेते हैं। दाल को मैंने पीस लिया है हल्का दरदरा होने तक। अब हम मसाले भूनने ते हैं। मैंने एक फ्राई पैन लिया, उसमें मैंने 2 चम्मच साबुत धनिया लिया है, 2 चम्मच मैंने मोटी सौंफ ली है, 1 चम्मच जीरा लिया है, 4 से 5 साबुत लाल मिर्च ली हैं, 8 से 10 काली मिर्च ली हैं, 4 लौंग ली हैं। इनको हम हल्का भून लेते हैं। भूनने के बाद इन्हें दरदरा मिक्सी के जार में पीस लेंगे। मसाले को हम भूनकर इसलिए डाल रहे हैं जिससे हमारी कचौड़ी ज़्यादा टाइम तक चले और वो ख़राब नहीं हो। हमारा मसाला भून गया है, खुशबू आने लगी है। अब इसको हम मिक्सी के जार में दरदरा पीस लेते हैं। मसाला हमने भुना हुआ दरदरा पीस लिया है। अब एक फ्राई पैन में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो जाने के पर अब हम उसमें अच्छी मात्रा में हींग डाल देंगे। हींग डालने के बाद जो हमने मसाला भुना दरदरा किया उसे भी हम इसमें डाल देते हैं। इसे मध्यम आंच पे भी हम भूनेंगे। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून बेसन भी डालेंगे। बेसन हमने इसलिए डाला है जिससे हमारी दाल की बाइंडिंग अच्छी हो, वो फैली फैली नहीं रहे, बेसन से वो आपस में चिपक जाएगी। अब हमारा बेसन भी इसमें भुन गया है। अब जो दाल हमने पीसी उसको डाल देते हैं। इसको हम 5 से 7 मिनट भूनेंगे। हमारी दाल भून रही है। अब हम इसमें थोड़े मसाले और ऐड करेंगे। इसमें 1/2 चम्मच हम अजवाइन डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा काला नमक, काला नमक जरूर ऐड कीजिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला। इन सबको हम अच्छे से मिलाकर पिट्ठी को भूनेंगे। वैसे हमें इसे ज़्यादा देर नहीं भूनना है, ओनली 5 से 7 मिनट भूनना है, क्योंकि ये कढ़ाई में जब हम इसे मैदा के उसमें भरेंगे उसमें भी ये भून जाती है, तो इसकी आप ये सोचेंगे ये ख़राब हो जाएगी, लेकिन ये ख़राब नहीं होगी पिट्ठी, इसे ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे। हमारी दाल को भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और थोड़ी सी सूखा पुदीना क्रश करके डालेंगे। यदि आपके पास पुदीना नहीं है तो आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए हमारी भुन रही है और इसकी बाइंडिंग देखिए, लोई बन रही है। इस प्रकार गोली बननी चाहिए। गैस बंद कर दिए, अब हम इसे ठंडे होने को छोड़ते हैं। अब हम आटा लगाते हैं। हम कचौड़ी के लिए आटा लगाते हैं। उसके लिए मैंने 1 कटोरी मैदा ली है, 1/2 कटोरी मैंने सूजी ली है। अब इसमें हम अपनी स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। इसमें मोमन के लिए
मैं देसी घी डाल रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये घी डालने के बाद हम आटे को इकसार कर लेंगे। अब हमें इसमें इतना घी डालना है कि हमारी हाथ से मुट्ठी बन जाए, तो हमारा मोमन बिल्कुल अच्छा रहेगा। ये देखिए मेरी मुट्ठी बन रही है। अब हम इसे गुनगुने पानी से आटा लगा लेंगे। इसे ना तो हम ज़्यादा टाइट लगाएंगे ना हम ज़्यादा मुलायम लगाएंगे। आटा लगकर तैयार है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट छोड़ देते हैं जिससे एक साल हो जाए। आटे को लगे हमारे 10-15 मिनट हो गए हैं। अब हम आटे को इकसार कर लेंगे। इकसार और हमने एक तरफ कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है। इसकी छोटी छोटी लोई हम बना लेंगे और आपको जितना बड़ा साइज छोटा बड़ा करना है आप अपने हिसाब से कर लीजिए। हम एक लोई ले लेंगे। अब उसे हम एक हाथ से अंगूठी से दबाते हुए और उंगलियों से फैलाते हुए जाएंगे। इसे हम कटोरी नुमा कर लेंगे। ये हमारी कटोरी जैसे हो गई। अब इसमें हम दाल को भी हम गोली सी बना लेंगे। ये देखिए हमारी वाइंड हुई है गई है। यदि हम इसमें बेसन नहीं डालते तो इस प्रकार वाइंड नहीं होती और ये फैली फैली रहती, बेसन से वाइंड हो जाती। इस प्रकार हम इसमें रख देंगे और इसको ऐसे करके घुमा घुमा कर पेड़े की तरह गोल कर लेंगे और इसे यहीं दबा देंगे। अब हम अपनी दोनों हथेलियों की सहायता से इसे फैलाएंगे। ये हमारी इतनी बड़ी हो गई। आप चाहें तो बेल कर भी बना सकते हैं, आपको जिस प्रकार अच्छा लगे। इस प्रकार हम अपनी सारी छोटी छोटी कचौड़ियाँ तैयार कर लेते हैं। मैं आपको एक बेल कर भी बता देती हूँ। इस प्रकार से हम छोटी सी बेल लेंगे और इसमें इस प्रकार भर कर बंद करके और हम छोटी छोटी बेल लेंगे। आपको जिस प्रकार अच्छी लगे वैसे आप बना सकते हैं। हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें अपनी कचौड़ियाँ डाल लेंगे। अब इन्हें मद्दी मद्दी आंच पे ऐसे ही छोड़ देंगे, ये अपने आप ऊपर उठने लगेंगी। ये हमारी ऊपर उठाई है। अब इनको हम पलट देंगे। अलट पलट करके इन्हें एकदम क्रिस्पी होने तक भूनेंगे। हमारी कचौड़ी भुन गई है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब इनको हम खुला ही रखेंगे जब तक ये पूरी तरह ठंडी नहीं हो जाएं। बिल्कुल भी गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये मुलायम पड़ जाएंगी और ठंडी होने के पास एकदम करारी रहेंगी। आप बनाइए खाइए और यदि आपके बच्चे बाहर रहते हैं तो उनको बनाकर भेजिए। उनको छोटी छोटी भूख में ये बहुत अच्छी लगती हैं, हेल्दी भी होती हैं। अब हम इसमें और डाल देते हैं। इसी प्रकार हम मध्यम मध्यम आंच पर सारी मठरी सेक लेंगे। कढ़ाई में डालने के बाद पलटना नहीं है, ये अपने आप ऊपर आ जाएंगी तब इनको हम पलटेंगे। ये देखिए मेरी फूलकर ऊपर आ गई हैं। अब इनको हम पलट देंगे। इस प्रकार हम सारी मठरियाँ कचौड़ियाँ पलट देंगे।
ये देखिए मेरी कचौड़ी बनकर तैयार है, आप भी बनाइए खाइए और ये बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना और आप भी ज़रूर बनाकर खाना। जय जिनेंद्र।